सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। ये जो गैस जलता है दोनों इसको जो ये बर्नल है तो कभी कभार ये जलते जलते जैसे पहले हम लोग स्टोव जलाते थे तो फंस जाते थे तो हम लोग पिन करके उसको साफ कर लेते थे, पर ये जब फंसता है तो हम एजेंसी में फोन करते हैं, मतलब वहाँ से मैकेनिक आते हैं, हम बाजार से किसी को भेज के बुलवाते हैं या हम उसको चूल्हा को निकाल के देते हैं बनाने के लिए। तो अगर ज़्यादा ख़राब हो तो आप बिल्कुल ऐसा करिए, लेकिन अगर आपका कभी गैस कम जलने लगे फंस जाए तो आप परेशान मत होइए, मैं उसी को आपको बता रही हूँ कि आप उसको घर पर भी रिपेयर कर सकती हैं, बना सकती हैं। इन छोटी मोटी चीज़ों को हमको बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि ये कैसे बनाया जाता है। इसको हम ऐसे धीरे से पलट लेंगे और जो रेगुलेटर है आप उसको अच्छी तरीके से बंद कर लीजिए, खुला ना रहे, और सावधानी के कारण मान लो कभी कभी खुला रह जाए तो ऐसा नहीं, उसको बंद कर लीजिए। ये है, ये ढीला है, हाथ से भी खुल रहा है, कभी कभी क्या है जाम हो जाता है, तो आपके यहाँ प्लास्ट वगैरह हो तो उससे भी खोल सकते हैं। ये हमारा ढीला है तो आराम से खुल गया, इसके जो ये पुर्जे हैं इसको आराम से रखिए, कहीं बच्चे मुँह में ना डाल लें। ये देखिए ये निकल गया। ये मैं आपको सरलता से बता रही हूँ कि आपको अगर थोड़ा बहुत ऐसा कुछ हो तो आप घर में उसको बना सकती हैं। तो ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, यहाँ फंसता है, ये पीतल का है, नॉजल बोलते हैं इसको। तो मैं आपको इसको इसकी बारीकी दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए ये इसमें छेद है, यही छेद फंस जाता है तो गैस कम जलती है। तो ये कपड़ा सिलने वाली सुई है तो इसको हम अंदर ऐसे ऊपर से धीरे से, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, धीरे से कुछ फंस जाता है इसमें, क्यों फंसता है वो भी आपको मैं बता रही हूँ। ऐसे बस पहले सीधे आप इस सुई को सीधे अंदर नहीं घुसेड़ेंगे, यहाँ जो भी कचड़ा होगा वो अंदर घुस जाएगा। थोड़ा सा जैसे हम कांटा निकालते हैं, कहीं हाथ पैर में कांटा गड़ जाता है तो उसको ऊपर करके निकालते हैं, वैसे निकालेंगे। ऐसे सीधे आप सुई को अंदर नहीं करोगे, ऐसे ऐसे पहले ऊपर से निकाल दोगे, कचड़ा ऊपर ही रहता है, फिर इस सुई को आप हल्का सा अंदर डाल दोगे। ये सुई अंदर ज़्यादा नहीं जाता, बस इतना ही जाता है थोड़ा सा। ये तो ये जो थोड़ा सा जो इसमें फंसा रहता है वो निकल जाता है। उसी तरीके से इस तरफ का जब भी फंसे या किसी तरफ का, दोनों तरफ में से, तो आप उसको ऐसे कर लें। इसमें भी आप इसको भी देख लें, इसको जो नीचे है ये किनारे किनारे यहाँ भी गंदा है, तो जो ब्रश होते हैं खराब मंजन जिससे हम करते हैं उससे भी आप इसको साफ करके इसको ऐसे करके और धीरे से इसको ऐसे लगा दें। ये बहुत ही आसान है और जो भी माताएं बहनें इस परेशानी में पड़े, उनका मतलब गैस अचानक ही कम हो जाता है जलना, तो आप इसी तरीके से उसको तुरंत, मुश्किल से 2 मिनट लगता है, फिर आप इसको ऐसे सीधा कर लें, ये ऐसे सीधा कर लें। कभी कभी ये कटोरियों में जो है इसमें भी कचरा हो जाता है, इसको एक कटोरी है इसकी, इसमें भी कचरा हो जाता है, इसको भी हम ब्रश से साफ कर लेते हैं, फिर इसको हम लगा देते हैं। इसमें परेशानी होती है तो ये आराम से साफ हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये क्यों फंसता है। ये जो गैस होता है, कभी कभी हम इसको कम जलने पर या जैसे कम होता है तो उसको हम पलटते हैं, टेढ़ा करते हैं, तो कुछ कचड़ा रहता है नीचे जमा हुआ, जैसे कि जो गैस का जो सिलेंडर होता है उसमें अंदर से पेंट कर देते हैं, जैसे बाहर पेंट रहता है उसमें अंदर भी कुछ ऐसे लिक्विड रहता है तो आके इसमें फंस जाता है। जैसे कि मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगी इसके बारीकी, तो उसमें कचड़ा फंस जाता है या और किसी कारणों से भी कचड़ा फंस जाता है, जैसा कि मैं आपको एक बार और बता देना चाहती हूँ। जैसे कि मान लो घर में जो माता बहन है वो ना कर सके तो घर के भाई सदस्य भी इसको कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताई कि ये फंसता है नॉजल, है ना, अगर आप इसको साफ करें फिर भी आपका गैस ना जले तो ये पूरा खुल जाता है, जो कि मैं आपको खोल के नहीं दिखा पा रही हूँ, ये प्लास से ये पूरा ये चीज़ ये जोड़ है ज्वाइंट ये पूरा खुल जाता है।
तो जो साइकिल में जो हम हवा भरते हैं पंप होती है उसको उसमें लगा के और जब एक दो बार मारते हैं तो जो उसमें अंदर फंस जाता है, यानी कि सुई हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए इतना ही जाती है, यानी कि जो इसके मुंह पर फंसा हुआ कचरा वो निकल जाता है, लेकिन जो अंदर फंसा रहता है वो पंप से मारेंगे या फूंक से भी मार देंगे तो वो निकल जाता है। आप भी ऐसा कर सकती हैं, इसको ऐसे प्लास्ट करेंगी तो ये निकल जाएगा। जब बाजार में मैकेनिक जिसको बनाता है या घर में आता है तो इसी तरीके से उसको साफ करता है या तो इसके खराब होने पर बदल देता है, लेकिन प्राथमिक अगर पहली बार खराब हो दो बार खराब हो तो आप इसी तरह से आप उसमें सुई से या जैसे मैं आपको दूसरा तरीका बताई हूँ आप इसको बना सकती हैं तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होगा। तो इसी तरह से जैसे आप गैस को पलटती है जैसे मैं बता रही हूँ कि उसी से फंसता है, तो आप गैस को कभी भी मत पलटिए। मान लीजिए थोड़ा बहुत जलता है तो उसे काफ़ी दिक्कत आती है, और जैसे कि आप जैसे पलटे उसको या फिर जब वो सिलेंडर भराता है तब भी वो दिक्कत आती है। इसी प्रकार से मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे देती हूँ, जैसे आप खाना इस पर बनाते हो और फंसने का कारण बताती हूँ कि क्यों फंसता है, अब आप ये करेंगे तो नहीं फंसेगा। जैसे आप खाना बनाएं सब्जी चला रहे हैं तो सब्जी को कढ़ाई में ऐसे हम ठोंक देते हैं कढ़ाई में, तो उससे भी कुछ कचरा जाके उसमें नॉजल में फंस जाता है। तो आप ऐसा ना करके जब भी कढ़ाई में आप सब्जी बनाएं और ऐसे ठोंकने के बजाय उसको चम्मच से साफ कर लें, इसमें ठोंके मत, तब भी ये नहीं फंसेगा। तो मैं आज आपको बताई हूँ कि गैस जब भी कम जले तो आप किस तरीके से घर पर ही उसको साफ कर लें। ऐसी ही जानकारी मैं अगले एपिसोड में आगे भी देती रहूंगी। आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।